मनु भाकर को आप देख रहे हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुकी हैं अपने पोलिंग बूथ तक। और तमाम ऐसे बड़े चेहरे आज दिखेंगे आपको जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दिखेंगे। लेकिन सुबह 7 बजे से ही हम देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है और वो अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत बड़ा है। और सबसे पहली तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी वो मनोहर लाल खट्टर की थी, जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा के। उसके बाद चेहरा बदला गया, नायब सिंह सैनी को यहां पर मौका दिया गया, लेकिन वो पहुंचे सुबह 7 बजे ही और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी वो करते हुए दिखे। और ऐसे में तमाम जो मतदाता हैं वो भी पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। रचना हमारे साथ में अंबाला कैंट की सीट से मौजूद है, हाई प्रोफाइल सीट है, नजरें इस पर भी टिकी रहती हैं। रचना, क्या तस्वीर नजर आती है पोलिंग बूथ पर? क्योंकि जैसे ही 7 बजे तो तमाम सहयोगियों ने दिखाया कि किस तरह से कुछ कतारें पहले से मौजूद थी, कुछ वोटर्स अभी आ रहे हैं। आप कहाँ मौजूद हैं और क्या पोलिंग बूथ की तस्वीर नजर आती है? बिल्कुल, इस वक्त मैं अंबाला कैंट के एक वोटिंग सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देखें तो धीरे धीरे अब जो वोटर्स हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है। और ये सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से अनिल विज बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो परविंदर सिंह परी और निर्दलीय उम्मीदवार हैं यहाँ पर चित्रा सरवारा। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि अभी वोटर्स की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ लोग अब अपना वोट डालकर बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की रफ्तार दिखाई देनी चाहिए थी, फिलहाल उस तरीके का नज़ारा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। धीरे धीरे संख्या अभी यहाँ पर बढ़ेगी, और चूँकि अभी शुरुआत ही हुई है तो ऐसे में धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, आप भी आए वोट करने और अभी रफ्तार थोड़ी धीरे? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा, अभी लोग उठे हैं, तैयार हो रहे हैं जी। तो सर, क्या मुद्दे रहे हैं, क्या किन मुद्दों के साथ आप लोग यहाँ आए? देखो मैडम, मेन तो विकास का मुद्दा है जी। जो कार्य अम्बाला में वीर साहब ने कराए हैं उसकी कोई तुलना नहीं। तो जी, तो मैक्सिमम कार्य जो है ना वीर साहब ने कराए हैं, मेन तो ये है। इसके अलावा वीर साहब ने सारा कुछ अम्बाला के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। तो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं? नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए कंपटीशन, लेकिन बात यह है कि आपने कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा ना जी। रचना, लौटेंगे आपके पास क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सपना शुक्ला भी हिसार से हमारे साथ जुड़ रही है। सपना, क्या तस्वीरें वहां पर आप दिखाएंगी और क्या वो मुद्दे हैं जो जहन में लेकर आज लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? शिवानी, मुझे बताते हुए और दिखाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि 7 बजे हैं अभी और 10 ही मिनट हुए हैं, लेकिन कतार देखिए आप, प्रदीप दिखाएंगे हमारे सहयोगी अपने कैमरे के जरिए। 3 बूथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन देख लीजिए आप, महिलाओं की अलग लाइन लगी है, पुरुष अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रदीप, जरा घूम के वो वाला भी बूथ दिखा दीजिए, वो बूथ मैं आपको दिखाती हूँ, वहां पर भी देखिए कितनी अच्छी संख्या में लोग खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग वोट कास्ट करके गए। अंकल अंकल अंकल, आइए आइए आइए, बहुत देर से आप लोग खड़े हुए थे, अब मैं बात कर लेती हूँ। आंटी मेरे लिए बहुत देर से खड़ी थी कि इनसे बात की जाए, वोट कास्ट करके आ गए हैं। आप भी जरा आइएगा इधर, इनको बुलाइए। आप वोट कास्ट कर रहे हैं है? एक बार स्याही दिखाइए, अरे आपका पावर है वो दिखाइए आप लोग, हाँ स्याही वाली उंगली। किन मुद्दों पर हिसार की जनता वोट कर रही है, मुद्दे क्या है, क्योंकि बहुत देख लिया राजनेताओं को, आज का दिन आप लोगों का है। ऐसा है, एक तो बेसिक नीड जरूरतें जो हाँ। वो पूरी होनी चाहिए। सपना, बातचीत आप ये जारी आगे रखिएगा। एक और खबर यहाँ पर पहुंचाने जा रहे हैं चुनावी लहजे से कि हरियाणा के कैथल सीट में कांग्रेस उम्मीदवार और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनावी मैदान में हैं। और वोटिंग से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा भी की, पूजा की तस्वीरें आप देखिए, लोगों से वोटिंग की अपील भी उनकी ओर से यहाँ पर की गई है। तो आज तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो आशीर्वाद लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि आज का दिन उनके भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा है, उनकी किस्मत के लिए भी बहुत बड़ा है, और ये किस्मत आज हरियाणा की जनता तय करेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला आपसे थोड़ी देर बाद वोट करेंगे, इनका पहला चुनाव है रणदीप सुरजेवाला के बेटे, लेकिन आज वोटिंग से पहले भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। आप देख सकते हैं अभी अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग से पहले अपने पारिवारिक कुल के मंदिरों में, ये एक मंदिर शिव धाम में पहुंचे हैं, वहां जल दे रहे हैं शिव को। और आज का दिन किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मतदाता भगवान होता है और मतदाता के वोट से पहले मंदिर